प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा। एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसके जरिए जिंदगी के मकसद को हम सब पूरा कर सकते हैं। रूहानियत के कई पहलुओं को उन्होंने खोल खोल के समझाया। और जब इस शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस शब्द के जरिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने जो हमारी आत्मा है उसकी जो यात्रा है, जो सदा सदा से चली आ रही है, उस यात्रा को समझाया है। हम सब पिता परमेश्वर से एक थे, प्रभु ने एक से अनेक होने का संकल्प किया और हम जो सही मायनों में आत्माएं हैं उस परमात्मा का अंश अलग अलग योनियों में बसने शुरू हो गए। जैसे करनी वैसे भरनी। और हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में चक्कर लगाती चली जा रही है। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम सबको ये समझा रहे हैं कि हम कितने खुश किस्मत हैं कि 84 लाख जिया जून में किसी भी योनि में हमारी आत्मा जा सकती थी, लेकिन प्रभु हम सब पर खुश हुए और उन्होंने हमारी आत्मा को ये देन दी कि हम इस चोले में, जो मानव चोला है, इसमें आ जाएं। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आए, क्योंकि इसी चोले में सब पदार्थ प्रभु ने हमें दिए हैं ताकि हम अपने आप को जान सकें और प्रभु से एकमेक हो सकें। जिसे विवेक कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ट्रूथ एंड अनट्रूथ, कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय हम कर सकते हैं। और विवेक सिर्फ इस शरीर में प्रभु ने दिया है ताकि सच क्या है उसको ढूंढ कर हम अपने आप को सच के साथ जोड़ लें। हमारा इस चोले में आना पिछले अच्छे कर्मों का फल है और प्रभु की देन है कि उन्होंने देखा और ये समझा कि इस आत्मा को अब मौका दिया जाए ताकि ये आकर फिर से प्रभु से एकमेक हो जाए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज यहां हमें ये समझा रहे हैं कि हम संतन से हो बन आए, पूर्व लिखिया भाई ए मन तेरा भाई। जो प्रभु की देने हैं, सबसे पहली देन कि हमें ये शरीर, ये मानव चोला दिया। उसके बाद एक दूसरी देन, इस धरती पर इस समय कोई 7 बिलियन लोग जी रहे हैं। सबका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर पड़ता नहीं। कोई कोई होता है जिसका ध्यान इस शरीर में आकर असलियत की ओर पड़ता है। कोई कोई होता है जो किसी संत महापुरुष की शरण में पहुंचता है। यह भी प्रभु की देन है कि ये चोला पाने के बाद हम अपने आप को किसी संत महात्मा के चरण कमलों में पाते हैं। और फिर एक तीसरी दिन, जब हम किसी संत महात्मा के आसपास पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो आगे इस शब्द में गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने खोल के समझाया, उनकी नजदीकी पाते हैं तो फिर उनकी देन एक हमें मिलती है
कि वो हमें नाम के साथ शब्द के साथ जोड़ देते हैं, जिसे गुरबाणी में अनहर शब्द कहा गया। वो शब्द जो कण कण में समाया, वो शब्द जो हमारे भीतर है, वो शब्द जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, वो शब्द जिसके साथ जुड़कर हम वापस अपने निर्धाम सचखंड तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे सदगुरु की जब दया दृष्टि हम पर मिलती है तो तीसरा बूंद हमें मिलता है, वो शिव नेत्र, जो दसम द्वार है जो बंद है उसे अपनी तवज्जो देके खोल देते हैं, और फिर हम अपने अंदर प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड, उसका हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ जुड़कर ही असलियत को पाते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम संतन स्यो बनाए, पूर्व लिखिया पाई, ए मन तेरा भाई। कह रहे पुराना हमारा लेख था, हमारे पुराने कर्म ऐसे थे कि प्रभु हम पर खुश हुए, हमें ये मानव चोला दिया, और फिर इस चोले में आकर किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुंचे और उन्होंने हमें वैसा बना दिया जैसा प्रभु ने चाहा कि हम बने। प्रभु चाहते हैं कि हम असलियत को जानें, लेकिन हम अपने आप उस हाइट तक पहुंच नहीं पाते, तो कोई हमारा मददगार होता है। एक संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि किस किस्म की हम जिंदगी जिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। सिर्फ हमारे कि हम संतन से हो बनाए, ये जो हाई स्टेज ऑफ लाइफ है जिस तक हमने पहुंचना है, वो एक संत महापुरुष ने अपनी तवज्जो देकर हमें वहां पहुंचा दिया। ये फरमाया जाता है कि जो पारस का पत्थर है वो किसी चीज को सोने में बदल देता है, मगर एक संत महापुरुष क्या करते हैं, वो हमें अपने आप में बदल देते हैं, वो हमें वो सब ले आते हैं जो हमें असलियत के साथ जोड़ दें, वो हमें जो हम बनने के लिए यहां आए हैं वहां तक पहुंचा देते हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि उस स्टेज पर पहुंचने के लिए फरमा रहे कि ए मन तेरा भाई, कि जब हम उस स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं जो सबसे ऊंची स्टेज है, तो जो हमारा मन है वो हमें अपने सदगुरु की ओर निछार करना पड़ता है। हमारा मन है वो हमारा लगाव दुनिया की चीजों के साथ कर रहा है, तो मन को क्या करना है, हमने प्रभु की ओर खींचना है। इसीलिए जब नाम की देन मिलती है तो हमें सिमरन करने को कहा जाता है। सिमरन क्या, प्रभु के नाम का जाप। प्रभु के नाम का जाप क्यों करते हैं, ताकि प्रभु को याद करें। प्रभु को याद क्यों करते हैं, ताकि हम उन जैसे ही बने, जिस ओर इंसान ध्यान देगा वैसे ही बन जाएगा। तो प्रभु के नाम का जाप इंसान करता है ताकि प्रभु के जैसा वो बन पाए, और तभी मन प्रभु की ओर बढ़ता है। नहीं तो मन की यही कोशिश होती है कि वो हमें दुनिया की चीजों में लगाए। तो जब मन प्रभु की ओर बढ़ेगा तभी हम जिस अवस्था को पाना चाहते हैं, जो शांत अवस्था जिसमें हलचल नहीं, जिसमें पहुंचकर ही हम ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ सकते हैं, तो उस अवस्था को हम पा लेते हैं।
गुरु अर्जुन देव जी महाराज आगे फरमा रहे हैं कि हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की सरना। इस शब्द के जरिए समझा रहे हैं कि एक संत महापुरुष के चरण कमलों में जब हम पहुंचते हैं तो एक सच्चे भक्त की कंडीशन क्या है, वो किस स्टेट में होता है और कौन सी स्टेट चाहिए ताकि वो पिता परमेश्वर से एक में को। तो फरमा रहे कि हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा ज्ञाना। एक शिष्य ये जानता है कि वो अपने संत की, अपने महापुरुष की चरण की धूल है, उनके चरण कमलों में हम पहुंच गए, हम उनसे कुछ पाना चाहते हैं। तो यहां गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा के हम संतन की रैन प्यारे, रैन होते चरणों की धूल। तो समझा रहे हैं कि एक सच्चा शिष्य अपने आप को अपने संत महापुरुष के चरणों की धूल समझता और हम संतन की चरना, और वो ये जानता है कि उसकी प्रोटेक्शन उसके सद्गुरु हैं, कि वो उसका ख्याल करेंगे, वो उसको ध्यान में रखेंगे और उसके लिए जो कुछ चाहिए वो ही करेंगे। और आगे भी यही बता रहे हैं, संत हमारी ओट सतानी, कि वो ही हमारे प्रोटेक्शन है, ढाल है, और वो ही हमारे जो सतानी होता है, जैसे कि कैनोपी हो सिर के ऊपर। कैनोपी सिर के ऊपर किसकी होती है, जो कोई बिग शॉट होता है, कोई राजा महाराजा होता है, जिसका आदर करते हैं। तो समझा रहे हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो हमारी जो स्टेट है, स्थिति अपने आप ऊंची होनी शुरू हो जाती है। आदर भाव भारी रूप से नहीं, हमारी आत्मा का आदर भाव, कि आत्मा प्रभु की ओर बढ़ रही है। यही फरमा रहे हैं, संत हमारी ओट, होट इज अ शील्ड प्रोटेक्शन, सतानी जो कैनपी सिर के ऊपर रहती है, और संत हमारा गहना। गहने इंसान क्यों पहनता है, चमक धमक के लिए, लोगों को पता होता है हमारे पास ये है आभूषण, गहने, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं दिखाने के लिए कि जो आत्मा है वो और सुंदर हो जा रही है और बेटर हो जा रही है और उस स्टेट में पहुंच रही है जिसमें कि प्रभु से वो एक में खो सके। कि एक संत महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, उनकी दया दृष्टि, उनकी कृपा जब हम पर होती है तो हम अपना ध्यान दुनिया से हटाकर पिता परमेश्वर की ओर कर पाते हैं। हम सब एक ही मकसद से इस धरती पर आए हैं, वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। हम अलग अलग जातियों में हो सकते हैं, अलग अलग पढ़ाई लिखाई हमने की हो सकती है, अलग अलग सोशल स्टेटस हमारे हो सकते हैं, अलग अलग भाषाएं हम बोल सकते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है, अपने आप को जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और फिर प्रभु को पाना, उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना। और संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। चाहिए क्या, एक पैशन प्रभु को पाने का, हमारे अंदर एक खिंचाव चाहिए ताकि हम प्रभु की ओर कदम बढ़ा सकें, एक लगाव चाहिए पिता परमेश्वर को पाने का, और जिसमें वो लगाव होगा, खिंचाव होगा, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। ये बार 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 महापुरुष समझाते चले हैं। जो अगला वर्स है उसमें गुरु अर्जुन देव जी महाराज
समझा रहे हैं कि जब हम किसी संत महापुरुष के शरण में पहुंचते हैं तो हमारा उनसे रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है। शुरू शुरू में तो जब हम उनके बारे में जानकारी पाते हैं तो हमें भी उनको सत्संग में आकर मिलते हैं। हम देखते हैं सत्संगों में हजारों लोग हैं, जब सत्संग सुनते हैं तो उनकी बातचीत हमें अच्छी लगती है, हम उनकी नज़दीकी पाते हैं। हो सकता है आस्ते आस्ते को मौका मिले जब उन्हें पर्सनली मिल सकें, और आस्ते आस्ते जैसे वो हमें समझाते हैं कि हम अभ्यास करें, फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। तो शुरू शुरू में रोशनियाँ हमें अंदर में दिखती हैं, उसके बाद आसमान सितारे चंद्रमा सूर्य को पार करते हुए हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, वो स्वरूप जिसमें से लाइट निकल रही होती है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा रियल रिलेशनशिप अपने सदगुरु से बनता है, तो तब जाके हमें यकीन होता है कि वो हमारे अंग संग हैं, 24 घंटे अंग संग हैं, और उनकी दया मेहर से ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो ये रिलेशनशिप आस्ते 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 गहरा होना शुरू होता है। तो समझा रहे हैं कि संतन सेव मेरी लेवा देवी, लेवा देवी लेन देन, ये संतों से हो मेरी लेवा देवी, संतों से हो व्योहारा, संतन से हो हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। तो समझा रहे हैं कि शुरू शुरू में मेरी आत्मा का लेन देन अपने सदगुरु के साथ हुआ, संतों के साथ हुआ, और फिर जैसे जैसे उनके साथ मुलाकातें बढ़ती चली गईं, वैसे वैसे जो संबंध हमारी आत्मा का अपने सद्गुरु के साथ है वो गहरा होता चला गया। जैसे जैसे हमने अभ्यास करना शुरू किया, हम अंदर की दुनिया में बढ़े, और जितना ज़्यादा अभ्यास हमने किया उतना ही कनेक्शन हमारा अपने सदगुरु के साथ स्ट्रांगर होता चला गया। और समझा रहे हैं कि जैसे इंसान बिजनेस करता है तो उसमें कुछ कैपिटल होता है, तो एक अच्छा व्यापारी कैपिटल को बढ़ा लेता है, और एक ऐसा इंसान जिसको व्यापार नहीं करना तो उसका कैपिटल डूब जाता है। तो कहते हैं कि नामदान के समय हमारे सदगुरु ने हमें वो कैपिटल दिया, शिव नेत्र को खोला, और फिर उन्होंने हमें समझाया कि इसको बढ़ाना कैसे है। एक वाक्य महापुरुष सुनाया करते थे कि एक बाप थे फैमिली में, उसके 3 लड़के थे, उन्होंने अपनी 3 बहुओं को बुलाया, उन्हें एक एक बैग बीजों का दिया, गेहूं के बीजों का, वो कहा कि इसे तुम संभाल के रख लो, अब मैं तुमसे बाद में लूंगा। तो जो पहली बहू थी उसने सोचा ये तो इतने से गेहूं, इनको क्या जब भी मांगेंगे इतने हम वापस कर देंगे, इनको भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है नहीं, नहीं इधर उधर रख दिए। दूसरे ने सोचा कि नहीं, मेरे ससुर ने कहा, तो उसने तिजोरी में जाके वो पूरा बैग का बैग रख दिया। जो तीसरी बहू थी उसको लगा कि मुझे ये भी दिए गए हैं, उसने उनको बो दिया, उसके बाद फसल हुई, और बीज निकले, उसने और बो दिए, फ्यू सीजन निकलते गए। एक दिन जब पिताजी ने आके वापस वो बैग्स मांगे तो पहली को तो मिला ही नहीं बैग कहाँ है, दूसरी ने जो उन्होंने दिया था दे दिया, तीसरी के पास इतना अनाज था कि वो बोरियों में भी आ नहीं रहा था। तो जो कैपिटल हमें मिलता है उसके साथ हम क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते थे, अगर हम बीमार हों डॉक्टर के पास जाएं और हमें दवाई दे ठीक होने के लिए, तो उसको हम लाके कबर में रख दें तो हम कभी ठीक नहीं होंगे। तो जो हमें कैपिटल मिला है, जो नाम की देन मिली है, उसका फल तब होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे।
जब हम भक्ति भाव से रोजाना अभ्यास करेंगे, जब हम ज्योति के साथ जुड़ेंगे, श्रुति के साथ जुड़ेंगे, तो अपने आप रूप अपने सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज यही समझा रहे हैं कि संतन सेओ हम लाया खाटिया हर भगत भरे भंडारा, कि जो इंसान उस कैपिटल को बढ़ाता है उसके भंडारे भरे भरे रहते हैं, वो और भर जाते हैं और भर जाते हैं और भर जाते हैं। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जो हमें देन मिली है उसको बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम अभ्यास करें। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डेयरी दी, ताकि एक हम अपनी खामियों को देख पाए, जो भी डिफिकल्टीज उनको दूर करें, और फिर अभ्यास को ट्रैक करें, देखें कि कैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जब इंसान आत्मनिरीक्षण करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, तभी वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाता है। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जो कैपिटल हमें मिला है वो बढ़ना चाहिए, और आगे फरमा रहे हैं कि संतन मो को पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा। मन तो हमें बार 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 इसी स्टेज पे लेके आता है कि यह दुनिया असली है जिसमें हम जी रहे हैं, इसी दुनिया में कुछ करें, और इंद्रियों के जरिए हमारा ध्यान, जो हमारा आत्मा का भारी रूप है, वो हमारा मन से बाहर की दुनिया में भेज रहा है। और जिस ओर हम ध्यान करेंगे वैसे बन जाएंगे। अगर बाहर की दुनिया में हर वक्त ध्यान देंगे तो इसी माया की दुनिया के रंग में रंगे जाएंगे। तो फरमा रहे हैं कि संतन मोह को पूंजी सौंपी, उन्होंने कैपिटल दिया तो उतरे मन का धोखा, धर्म राय अब कहा करेगे जो फाटिया सगलो लेखा। वो कह रहे हैं कि धर्म राय यमराज जो काल का प्रतिनिधि है, जिसके पास सारा लेखा है हमारा पुराना, हमारे कर्मों का लेखा, तो फरमा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष ने हमें नाम की देन दी तो हमारे जो कर्मों का हिसाब किताब था वो उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। तो फिर काल और धर्म राय या यमराज वो कुछ भी कर नहीं पाए, क्योंकि लेखा उनके हाथ में है ही नहीं, उनके हाथ से वो लेखा फट गया और वो लेखा हमारे सदगुरु के हाथ में आ गया। कि जब हमें नाम की देन मिलती है तो फिर हमारे सदगुरु ये प्रण लेते हैं कि हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा जरूर मिलेगा। तो उसका भुगतान करने के लिए फिर यमराज या उसके दूत नहीं होते, लेकिन हमारी मौत के समय भी हमारे सदगुरु ही लेने आते हैं हमें। तो ये एस्पेक्ट कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें, ये एस्पेक्ट के यमराज जिसने हमें 84 लाख जिया जून में जैसी हमारी करनी है उस लिहाज से धकेला हुआ है कि उसके चुंगल से भी हम बच जाते हैं जब एक संत महापुरुष की नजर कर्म हम पर होती। ये यहां गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि धर्म राय अब कहा करोगे, कि धर्म राय क्या करेगा, वो यही बता रहे हैं कि जब फाटिया सगलो लेखा, के जब जो भी मेरा पुराने कर्म थे वो सब के सब उसके हाथ से निकल गए, उसको मालूम ही नहीं कि मेरे कर्म क्या थे, उसके सामने नहीं है, उसका हिसाब किताब ही नहीं मुझे करना, तो उसके जो चुंगल है उससे मैं बाहर निकला। जब तक एक भी कर्म रह जाता है हमें उसके भुगतान के लिए वापस आना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। तो जब तक सारे के सारे कर्म हमारी जिंदगी से हटेंगे नहीं, तब तक
हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि महाआनंद बहे सुख पाया संतन के प्रसाद है। संत महापुरुष ने जब प्रसाद दिया तो संतों का प्रसाद क्या होता है? ये तो बाहर प्रसाद मिलता है हमें, ये बाहर के नहीं अंदर के प्रसाद की बात कर रहे हैं। एक संत महापुरुष है, पूरे संत महापुरुष का रियल प्रसाद वो है कि वो हमें इस दिव्य चक्षु को खोलकर सबके साथ जोड़ देते हैं और फिर हमारे यहाँ शिव नेत्र पर वो टिक जाते हैं ताकि जब भी हम अंदर की दुनिया में बढ़े वो हमारे मददगार रहते हैं 2400 घंटे, हर रोज, हर दिन, हर महीने, हर साल। तो वो हमारे अंग संग रहते हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। तो हमारे महाआनंद भय सुख पाया संतन के प्रसाद के, जब उन्होंने ये अंदर का प्रसाद दिया तो सदा सदा का आनंद उसको मैंने पा लिया। उनकी दया मेर मुझ पर इतनी हुई कि मैं फिर प्रभु से एक मेक हो गया। वही सदा सदा का आनंद है, वही सदा सदा का सुख पाना है, क्योंकि परमात्मा के अंग संग तो ना कोई दुख है ना कोई तकलीफ है, उधर तो खुशियां खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है, सुख चैन है। तो उस अवस्था की हम बात कर रहे हैं और फरमा रहे कहो नानक हर सेव मन मानिया रंग रेते बिस्मादे। तो फरमा रहे हैं कि जो मन है दुनिया की ओर लगा है वो बड़ी मुश्किल से मानता है, लेकिन जब गुरु का प्रसाद मिल गया तो मन भी मान गया, मन मान गया कि इस शरीर के आगे कुछ और भी है और फिर मैं पिता परमेश्वर के रंग में रंगी गई, तो मेरी आत्मा प्रभु से एकमेक हो गई। इस समय हमारी आत्मा के ऊपर मन माया के कई पर्दे हैं। इस समय हम इस पिंड के देश में रह रहे हैं तो आत्मा के ऊपर कई आवरण चले हुए हैं। हमारी आत्मा जो सचखंड की वासी है जब वहां से नीचे उतरी तो पार ब्रह्म में पहुंची, वहां से नीचे उतरी ब्रह्मण में पहुंची, वहां से नीचे उतरी अन्न में पहुंची, वहां से नीचे उतरी तो पिंड के देश में। जैसे जैसे प्रभु से दूर हुई एक एक पर्दा उसको करना पड़ा, एक एक आवरण पहनना पड़ा। तो इस प्रकार हमारे ऊपर ये पिंडी शरीर है, पंजाबी में शरीर को पिंड कहते हैं, उसके आगे अंडी शरीर है, उसके आगे ब्रह्मंडी शरीर है, फिर पार ब्रह्मंडी शरीर, चार मोटे मोटे शरीर हमारे आत्मा के ऊपर पड़े हैं। इसीलिए हमारी आत्मा जो जगमग है उसकी रोशनी में दिखाई नहीं देती। तो अभ्यास का तरीका है कि एक एक करके शरीर हमसे अलग हो ताकि हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाए, उस अवस्था में जहां ना पिंडी शरीर है आत्मा के ऊपर, ना अंडी शरीर है, ना ब्रह्मंडी शरीर है, ना पार ब्रह्मंडी शरीर है। तो उस स्टेट में हमारी आत्मा बिल्कुल निरोल अवस्था में वैसी है जैसे परमात्मा है और वहां पर पहले हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं, तो हमें इस यात्रा पर लेके जा रहे हैं, वो फिर हमें प्रभु में लीन करा देते हैं और वही सदा सदा के आनंद की अवस्था है जिसके बारे में यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम सब उस अवस्था को पा सकते हैं। ये बार 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 महाप्रसन्न समझा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, ये आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हों, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा।
जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दौड़ाना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।